हेलो 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 सो आप लोगों के डिमांड पर हमने लेकर आया है गेस व्हाट जी हाँ एगलेस और प्लस वेनिला स्पॉन्ज। आप लोग हमेशा बोलते थे ना मैम कितना चॉकलेट सिखाते हो, चॉकलेट लावा केक पीट्स पे डाल दिया, फुल चॉकलेट केक विद गनाच डाल दिया, सिंपल गनाच रेसिपी डाल दी, चॉकलेट टार्ट डाल दी, बट अब तक वेनिला भी नहीं आया ना। तो ये लीजिए आपके लिए लेकर आ गए हम वेनिला स्पॉन्ज की रेसिपी। तो ये पहले तो हम कर लेंगे टिन को डस्ट, बिकॉज हमारी रिव्यूज पर सारे देखकर बोलते ऐसे तो हो ही नहीं सकता, इतना इजीली डस्टिंग किया हुआ, इतना इजी स्पॉन्ज डीमोल्ड हो ही नहीं सकता। तो आज आपको भी सिखा देते, जब आप खुद करके देखोगे तो आपको पता चलेगा ना ऐसे पॉसिबल है। तो चलिए पहले डस्टिंग कर लेंगे, कोई बटर पेपर की जरूरत नहीं है। हमने ले लिया है अनसॉल्टेड बटर, जिनको हम पूरे से ग्रीस कर लेंगे अच्छे से ग्रीस करना है, ईच एंड एवरी कॉर्नर शुड बी कवर्ड नाइसली, ठीक है, कहीं पर भी ग्रीजिंग बाकी ना रहे। अब ये करने के बाद विल ऐड सम मैदा, ये हमने डाल दिया मैदा, और अब हम क्या करेंगे सिंपली इस तरीके से पूरे में कवर करेंगे। बट इस स्टेप पे एक चीज ध्यान रखनी है, डोंट टच विथ योर फिंगर। ये देखिए ये पूरे मैदे से मैं अच्छे से कवर कर रही हूँ, एंड आई एम नॉट गोना टच एनीवेयर, का जहां भी फिंगर लगा वहां केक स्पॉन्ज अटकेगा, सो यू हैव टू मेक श्योर यू डोंट टच एनीवेयर। लेट्स रिमूव एक्सेस मैदा, हमने अच्छे से कवर किया और हमने कहीं पर भी फिंगर टच नहीं की, ठीक है। सो लेट्स प्रिपेयर अवर स्पॉन्ज। सो गाइज नाउ आई एम टेकिंग अ बटर इनटू माय बाउल, हमने सॉल्ट फ्री बटर लिया है अनसॉल्टेड, अगर इनकेस समझो आपको अगर अनसॉल्टेड नहीं मिलता बटर, सो यस यू कैन डेफिनेटली गो विद द सॉल्टेड वन, बट आई पर्सनली प्रिफर वर्किंग विद द अनसॉल्टेड वन। एंड यहाँ पर हमने अनसॉल्टेड बटर के साथ साथ ले लिया है कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क से आपका स्पॉन्ज का जो टेक्सचर है ना बहुत अच्छा बनता है, बहुत फ्लेवर भी अच्छा आता है। तो ये हमने दोनों को रूम टेम्परेचर पे है दोनों, बट बटर मेल्टेड नहीं है, क्रीमी फॉर्म पे रूम टेम्परेचर। लेट्स बीट इट फॉर 1 मिनट, देन हम सारे ड्राई इंग्रीडियंट डालेंगे। ये हमने बीट कर लिया, नाउ लेट्स ऐड अवर ड्राई इंग्रीडियंट्स। ये हमने ले लिया मैदा, ये हमने ले लिया बेकिंग पाउडर, ये हमने ले लिया बेकिंग सोडा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कितना ग्राम्स लेना है, कितना स्पून लेना है, तो मैंने कैप्शन में सारा दिया हुआ, नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लीज चेक कीजिए। ये देखिए हमने सारा ऐड कर लिया, एंड साथ ही में हमने डाल दिया वेनिला एसेंस। एंड इसको किस तरीके से मिक्स करेंगे, कट एंड फोल्ड मेथड में, आइए मैं आपको बताती हूँ कैसे। ये हमने थोड़ा थोड़ा मिल्क डालेंगे, ये देखिए एक कट, ये फोल्ड, ये कट, ये फोल्ड, कट, ये फोल्ड, ये कट, ये फोल्ड। इस तरीके से जब आप अपने बैटर को मिक्स करते हैं तो सब अच्छे से कंबाइन होता है, आपके स्पॉन्ज का टेक्सचर भी बहुत अच्छा होता है। सो यू हैव टू मेक श्योर यू ऑलवेज फॉलो दिस कट एंड फोल्ड मेथड, एंड थोड़ा थोड़ा करके मिल्क ऐड करेंगे जैसे जैसे इंग्रीडियंट कंबाइन होने लगे। सो ये हमने इसी तरीके से कट फोल्ड करते हुए मिक्स किया है, एंड विल कीप एडिंग मिल्क, एंड 3 हिस्सों में हम मिल्क को डाल देंगे। एंड ये देखिए अभी भी मैं कट फोल्ड मेथड ही कर रही हूँ, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम मशीन यूज़ करते हैं ना फॉर द स्पॉन्ज, तो आउटकम उतना अच्छा नहीं होता मशीन के मिक्सिंग से जितना कि कट फोल्ड मेथड से होता है। एंड स्क्रैच से जो स्पॉन्ज बनाए जाते हैं ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं मैम प्रीमिक्स क्यों नहीं यूज़ कर लेते, क्यों हमेशा रेसिपी भी स्क्रैच से बनाते हो, लाइक मैदा, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर कंबाइन करके। तो उसका रीज़न है कि जो आउटकम इसका रहता है कंपैरेटिवली आपको प्रीमिक्स का नहीं अच्छा मिलेगा, बिकॉज प्रीमिक्स आर नॉट फॉर सेलिंग पर्पस कि जिससे आपको रिटर्निंग क्लाइंट मिले। जी हाँ बेकरीज पे यूज़ करते हैं, पर तभी तो बेकरीज में लोगों को टेस्ट उतना नहीं पसंद आ रहा, तब वो लोग होम बेकर्स के पास जा रहे। आज होम बेकिंग बिजनेस मार्केट में 70% ज़्यादा ग्रो हो गए कंपैरेटिवली बेकरीज के। बेकरीज अब वही लोग प्रेफर कर रहे हैं जिनको बस एमरजेंसी में केक चाहिए, उन्होंने गए और परचेस कर लिए। लेकिन जो लोग एक्चुअली केक इसलिए परचेस करते हैं केक के अंदर अच्छा सा टेस्ट आए, फ्लेवर है, यकीन मानिए मेरी क्लास में मेरे स्टूडेंट अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे सीखने के बाद विद एग्स रेसिपी हो या विदाउट एग हो, सारी रेसिपीज के लिए ना वो एक ही चीज़ बोले, क्लाइंट बोले तुम्हारा जो स्पॉन्ज है वो मार्केट में नहीं अवेलेबल। दैट्स व्हाट वी आर टीचिंग एंड दैट्स व्हाट दिस रेसिपी यू आर लर्निंग। सो मेक श्योर ऑलवेज प्रीमिक्स हमेशा अवॉइड करना है, गो फॉर स्क्रैच से रेसिपीज। तो ये हमारा बैटर रेडी हो चुका है, एंड लेट्स ट्रांसफर इन टू द मोल्ड। तो ये हमने डाल दिया इसको बैटर को मोल्ड में, 6 इंच का मोल्ड लिया है, मेक श्योर डस्टिंग करना ना भूले। एंड एक मेजर फेल जो हमेशा बेकर्स फेस करते, केक अच्छे से राइज नहीं होता, तो उसका रीज़न है कि यू गाइस
आप बैटर बनाने के बाद ना इसको थोड़ी देर के लिए बाहर रख देते हो। मेक श्योर बैटर एक बार बन गया डायरेक्टली बेक करना है, रूम टेम्परेचर पर नहीं रख देना है। तो चलिए इसे अब हम बेक करेंगे। तो लेट्स बेक अवर स्पॉन्ज। और ये मेरा है ओटीजी ओवन। आपके पास अगर घर पे ओटीजी है बेकिंग के लिए वो बेस्ट है। अगर आपके पास ओटीजी नहीं है, माइक्रोवेव है, तो इट शुड बी कन्वेक्शन, ठीक है। सो इसको हमने सेंटर ट्रे में रख ली है एंड इसका हम टाइम सेट कर लेंगे फॉर हाफ के जी। 20 to 25 मिनट रहता है। हम हमेशा इसको क्या करते हैं, लेस टाइम ही रखते हैं, लाइक 20 मिनट्स रखेंगे अभी, ठीक है, ताकि हमें याद आए, हम चेक कर सके। कभी कभार क्या होता है 18 to 20 मिनट में ही स्पॉन्ज बेक हो जाता है। एंड हम इसका टेम्परेचर रखेंगे 170 to 180 डिग्री। अगर आपका ओवन बहुत फास्ट बेक करता है तो गो फॉर 170-160 डिग्री, और आपका ओवन स्लो बेक करता है देन गो फॉर 180 डिग्री, अगर बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं है। एंड हमेशा फॉर द बेकिंग दोनों तीन हमारे यहाँ पर तीन ऑप्शन रहते हैं, या तो दोनों रॉड ऑन कर लो दोनों साइड की हीटिंग, या सिर्फ लोअर हीटिंग ऑन कर लो, या सिर्फ टॉप हीटिंग। तो हमें कौन सी हीटिंग लेनी है, लोअर हीटिंग, ताकि लोअर रॉड पे हम बेक कर सकें। तो ये मैंने सेट कर दिया फॉर द लोअर रॉड एंड विल चेक इट आफ्टर 15 मिनट्स। वैसे 20 to 25 मिनट लेगा टाइम, लेकिन चेक कर लेंगे हम 15 मिनट पे, ठीक है। सो ये हमारा स्पॉन्ज रेडी है वेनिला वाला एंड लेट्स डीमोल्ड दिस। ये देखिए व्हाट अ क्विक डीमोल्ड, एंड देखो कितना सही स्पॉन्ज बना है, व्हाट अ सॉफ्ट एंड फ्लफी स्पॉन्ज। सो जरूर ट्राई करना। और इस स्पॉन्ज के साथ आप फ्रूट फ्लेवर केक बना सकते हो, रसमलाई फ्लेवर बना सकते हो, डेजर्ट केक्स बना सकते हो। और एक मैंने रेसिपी शेयर की थी रिमेम्बर, जिसके अंदर मैंने थ्रेस द लच बनाया था, वो भी इसी स्पॉन्ज से बनाया था। सो जरूर ट्राई करना एंड डू शेयर विद अस।